हट जाए रोड से, हट जाए रोड से, पीछे रहिए, थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो। ये तस्वीरें देखो, लाल यादव को देख सकते हैं, लाल यादव जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ वन एशियन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। करीब 3.5 साल के बाद आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हुंकार सुनने को मिलेगी। बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में लालू प्रसाद यादव अपने आवास से निकल चुके हैं। हेलीकॉप्टर पर बैठकर वो पहले तारापुर पहुंचेंगे, तारापुर में जनसभा किया जाएगा, उसके बाद सीधे वो कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि आपको हम बताएं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी भी ज्यादा सही नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने खुद इस बात की जानकारी दी और खुद उन्होंने सामने आकर बताया कि जनता का प्यार, जनता का मोह उन्हें बिहार खींच लाया है। भले ही वो बीमार थे, लेकिन जनता का आशीर्वाद है कि वो निरोग हो चुके हैं और यही वजह है कि आज वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बता दें कि 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई है और खासकर किस तरह से जीत हासिल किया जाए इसको लेकर भी पूरी रणनीति बना ली गई है। ऐसे में हेलीकॉप्टर पर बैठकर लालू प्रसाद यादव तारापुर पहुंचेंगे और वहां से सीधे कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे और दोनों ही जगहों पर आज ही जनता को संबोधित किया जाएगा। बता दें कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने आवास से निकलकर हेलीकॉप्टर पर बैठकर तारापुर पहुंचेंगे। तो जहां एक तरफ आरजेडी की तरफ से लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तबीयत खराब होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और तारापुर पहुंचने के साथ ही डबल इंजन के सरकार को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। आपको बताएं कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों जगहों पर जनसभा किया था, जनता को संबोधित किया और कई बड़े खुलासे भी उनकी तरफ से किए गए। सीएम नीतीश कुमार के सुशासन की सच्ची तस्वीरें तेजस्वी यादव ने दिखाई, वीडियो लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से साझा किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से 16 वर्षों से बिहार में लूट खसोट जो है वो मचाया गया है। तो वहीं आज हुंकार सुनने को मिलेगा लालू प्रसाद यादव का, जब वो स्टेज से इस डबल इंजन की सरकार पर हमला बोलेंगे और कई तरह के बड़े खुलासे भी उनकी तरफ से किए जाएंगे। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त लालू प्रसाद यादव की देखने को मिली है, जब वो अपने आवास से रवाना हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर बैठकर तारापुर जाएंगे, तारापुर में जाकर जनता को संबोधित करेंगे और वहां से सीधे कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें तारापुर और कुशेश्वर स्थान से सामने आएगी, न्यूज़ वन एशियन सबसे पहले आप तक। सर 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 सर।